मार्केट कमेटी में सफाई कर्मचारियों के नाम पर कर्मचारियों के एक ठेके में बहुत बड़ा घोटाला। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, ठेकेदार मिलकर 1 से 2 लाख रुपए का हर महीने लगा रहे हैं सरकार को चूना। इसकी शिकायत राजपाल द्वारा सीएम विंडो में दी गई। सीएम विंडो की सुनवाई करते हुए देवेंद्र हंस, सीएम विंडो निगरान कमेटी के सदस्य ने बताया कि इसमें काफी गोलमाल है और इसकी गहनता से जांच की जाएगी और इसकी शिकायत में ऊपर सीएम साहब को भी करूंगा। और यह भी बताया कि मार्केट कमेटी द्वारा आज कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा नहीं सके। डीएमईओ कैथल ने पत्रकारों को बताते हुए सभी के जवाब गोलमाल दिए, सब कुछ पता होते हुए भी आंखें बंद कर ली हैं और ये कह दिया कि इसके लिए अगली तारीख रख दी गई है। हमने इस बारे में शिकायतकर्ता से बात की। शिकायतकर्ता ने बताया कि आज डीएमईओ कैथल ने सुनवाई के लिए बुलाया लेकिन कोई भी सुनवाई ढंग से नहीं की गई और यह लोग मिले हुए हैं, जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं और अगर ये बात मेरी शिकायत पर कार्यवाही नहीं करते तो मैं इसकी शिकायत और भी उच्च अधिकारियों से करूंगा। गुहला चिका से राजपाल जिंदल, आज तक टीवी न्यूज। सर, आज एक राजपाल जिंदल जो चीका से है उनके द्वारा आरटीएल गई हुई थी मार्केट कमेटी चीका के फूस के टेंडर को लेके, आज उनकी यहाँ काउंसलिंग हुई थी, क्या है पूरा मुद्दा और क्या निकला उसका? नहीं, आरटीआई नहीं लगाएगी, ये सीएम विंडो की कंप्लेंट है। सीएम विंडो पे इन्होंने दी हुई है कंप्लेंट, उसी की सुनवाई की जा रही थी, आरटीआई की यहाँ सुनवाई नहीं थी। राज्यपाल का कहना है कि वहाँ आदमी कम लगे हुए हैं जो टेंडर दिया गया है, तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है, इनको आगे की एक डेट और देंगे, देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं, अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब जब ये सीएम विंडो की शिकायतें आती हैं तो ये जो मार्केट कमेटी सेक्रेटरी साहब हैं वो टलते नजर आते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो कंडीशन नहीं रखी गई थी, लेटर मेरे द्वारा डाला गया था, कहीं उसको रिश्तेदारी में जाना था आज, तो उसने कहा कि भाई मैं रिकार्ड लेके भेज दूँ, तो उनका आना कोई कंपल्सन नहीं है, अगर उनके कहीं कोई बयान होंगे तो बिल्कुल उनको बुला लिया जाएगा। पाल जी, आपके द्वारा सीएम विंडो में शिकायत डाली गई थी मार्केट कमेटी चीका की सफाई को लेकर, तो आज आपको कैथल बुलाया गया था, क्या था पूरा मामला, क्या रहा? इनके पास मैंने एक कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट को ये गोलमोल करना चाहते हैं, पहले भी इन्होंने किया, मैंने उसकी आरटीआई भी मांगी थी, आरटीआई का जवाब भी कोई संतोषजनक नहीं था, आज डीएमईओ सामने बुलाया, ये भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ देखने के बावजूद भी आगे की तारीख रख दी गई है और इनको पता भी ये फर्जी तरीके से ठेकेदार को पेमेंट की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बस एक ये सोचते हैं भी इनको किसी तरीके से इनका राजीनामा हो जाए, बीच में से इनको निकाल दें और इसको दफ्तर दाखिल कर दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं दफ्तर दाखिल इसको होने नहीं दूंगा, ना ही करवाऊंगा, मैं इसको कहीं भी जाना पड़े इससे आगे भी शिकायत को लेकर के, क्योंकि ठेकेदार द्वारा 6 से 7 कर्मचारी रखे हुए हैं और ये पेमेंट करते हैं उनको 20 आदमियों की, सरकार को 2 से 2.5 लाख रुपये महीने का हर महीने चूना लगाते हैं और उसके बावजूद ये फर्जी तरीके से उनके नाम लिख के लेके आते हैं, इनके रिकॉर्ड में कोई कुछ भी रिकॉर्ड में इनके कोई कागज नहीं है, ठेकेदार के द्वारा दिए गए इनके उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इंद्र हंस जी, आज आप राजपाल जिंदल जी का द्वारा एक सीएम विंडो में शिकायत लगाई गई थी, उसके संबंध में आप जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए थे, सुनवाई करने के लिए आए थे, तो कैसा रहा? मेरे को मार्केट कमेटी कैथल के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ था, उस पत्र में 11 तारीख को हमने सुनवाई के लिए आया हुआ था लेटर और हमने देखा है, देखो सीएम साहब ने जो एमिनेट पर्सन सीएम विंडो बनाई है और हम एक सामान्य कार्यकर्ता जो चुने गए हैं, तो उसमें यही देखना होता है भी कहाँ तक शिकायतकर्ता सच है और कहाँ तक अधिकारी सच है, उसको छानबीन करके ही हमने ये पूरी की पूरी सच्चाई सीएम साहब के आगे पेश करनी होती है और इस माध्यम से अब तक कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सका है, मैंने देखा है आगे की डेट दी हुई है, अगर प्रॉपर रूप से अगर रिकॉर्ड वो दिखाते हैं तो ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना काम करेंगे।